हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। यस, अभी हमारा शिरडी से रिटर्न करने का वक्त है, तो हम लोग सुबह सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग, आई थिंक 5 या फिर 5:30 को निकले थे सुबह सुबह। तो हम लोग बहुत सैड थे और हमारा लगेज थोड़ा बढ़ गया था, क्योंकि हम लोग शिरडी में बहुत सारा परचेज किए थे। एक्चुअली एक पैठानी साड़ी का जो मैन्युफैक्चरर है, हम लोग वहाँ पर भी गए थे, तो वहाँ से बहुत सारे साड़ी भी खरीदे थे, इसीलिए हमें लगेज अलग अलग करके लेना पड़ा। और हमें वहाँ से एक लगेज ख़रीदना भी पड़ा कि ताकि हम सामान लेके जा सके। और हमारा रिटर्न था मुंबई एयरपोर्ट से, तो हम लोग अभी शिरडी से मुंबई जाएंगे बाय रोड। तो सब कोई बहुत टायर्ड थे एंड सैड भी थे। तो रास्ते में मुंबई जब हम लोग शिरडी से निकले तो मौसम थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन आधे रास्ते के बाद एकदम तेज बारिश होने लगा एंड हम लोग तो बहुत डर गए थे कि ताकि रास्ता जाम ना हो जाए, मतलब बारिश के वजह से सब बंद ना हो जाए ऐसे। तो हम लोग फिर एक जगह रुके थे, हम लोग सुबह सुबह उठे थे तो कुछ खा ही नहीं थे, तो ब्रेकफास्ट के लिए एक जगह रुके थे, वहाँ पर ब्रेकफास्ट भी किए। इतना तेज़ बारिश था क्या बोले हम, मतलब रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतना तेज़ बारिश था। लेकिन हमारे जो भैया थे, गाड़ी वाले भैया, वो बहुत ही अच्छे थे। एक्चुअली एक चीज़ ये हुआ था कि हम लोग टिकट्स तो किए थे बहुत सोच समझ के, क्योंकि हम लोग अलग अलग टिकट्स किए थे, हमारे पास बहुत सारे लगेज है बोल के, लेकिन एंड मोमेंट पर ना हमारा जो टिकट्स था वो चेंज हो गया था, सीट वगैरह सब चेंज हो गया। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा टेंशन में थे कि जबकि मेरे मम्मी और अमित भैया के मम्मी के फर्स्ट फ्लाइट है, तो वो हम चाह रहे थे कि वो दोनों को विंडो वाला सीट मिल जाए बोल के, तो होप लेके जा रहे थे आगे। हम लोग जल्दी मुंबई एक्चुअली पहुंचना चाहते थे, क्योंकि हम लोग मुंबई के ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहते थे। यहाँ पे एक बीच में एक जगह हम लोग रुके थे रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए, वहाँ पे कितना तेज़ बारिश था, मतलब हम लोग सोच रहे थे कहीं हम फंस ना जाए बारिश में, लेकिन कोई नहीं, हम लोग अच्छे से पहुँच गए थे एयरपोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। हम लोग ट्रैफिक भी फेस नहीं किए थे, जो मुंबई का ट्रैफिक है वो हम लोग फेस नहीं किए थे, बस एक या दो जगह ही फेस किए थे। एंड मुंबई एयरपोर्ट में आने के बाद मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट में मेरा फर्स्ट टाइम था एंड मैं कभी पहले मुंबई एयरपोर्ट नहीं आई थी। तो हम लोग सुबह थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किए थे, इसीलिए यहाँ पे आके हम लोग लंच किए, तो मम्मी लोग पाव भाजी वगैरह खाए थे और हम लोग कुछ मैकडोनल्ड में खाए थे। और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा एयरपोर्ट घूम रहे थे एंड वहाँ से भी हम लोग शॉपिंग कर ले एयरपोर्ट से मुझे एक अच्छा लगा, एक फैब इंडिया से मैंने कुर्ती खरीद ली, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। तो हम लोग फिर थोड़ा एयरपोर्ट घूम के चारों तरफ देख रहे थे, बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है मुंबई का, मुझे तो बहुत अच्छा लगा उसका इंटीरियर। तो मम्मी के साथ मैं थोड़ा मस्ती कर रही थी एंड मेरे मम्मी के फर्स्ट फ्लाइट था वो, तो वो बहुत एक्साइटेड थे, बहुत एक्साइटेड थे। तो हमारा जो सीट था वो चेंज हो गया था, हमें विंडो सीट नहीं मिला था, लेकिन हम लोग जब जाके बैठे तो जो जिनका सीट विंडो में था, तो मैंने उन्हें कहा कि हमें आपका विंडो सीट चाहिए, तो वो भी बिना कुछ बोले, मतलब बोले मुस्कुरा कर हमें विंडो सीट दे दिए। तो मम्मी को मिल गया विंडो सीट, तो मम्मी तो बहुत खुश थी मेरे मम्मी एंड बहुत एक्साइटेड भी थी, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि चलो मम्मी का फर्स्ट फ्लाइट है बोल के। और हम लोग खुश भी थे और ऊपर से सैड भी थे, क्योंकि घर जा रहे, घूम के घर जाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो फिर भी घर तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा जो 5-6 डेज़ का जर्नी था, बहुत ही एक्साइटिंग था एंड हम लोग बहुत एंजॉय किए, और हम लोग फ्लाइट में बैठ के भी बहुत एंजॉय किए। एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये शिरडी जर्नी बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नया एक और न्यू वीडियो के साथ।